डॉक्टर वीरेंद्र आपका स्वागत करता हूँ वीरेंद्र आयुर्वेदा चैनल पर। मैं आपको आज एक शास्त्रीय योग औषधि बतला रहा हूँ, कपूरासव। तो कपूरासव का निर्माण गुण उपयोग हमारे आयुर्वेद के महर्षि प्राचीन ग्रंथ में क्या उल्लेख किए हैं, मैं आपको वीडियो के माध्यम से बताना चाह रहा हूँ। तो आप जो है उत्तम देसी मध ले लीजिए, मध के मतलब सूरा या शराब, और उत्तम कपूर ले लीजिए, छोटी इलायची के बीज ले लीजिए, नागरमोथा ले लीजिए, सौंठ ले लीजिए, अजवाइन ले लीजिए, काली मिर्च। आप जो है मध को और कपूर को छोड़कर सभी को चूर्ण बनाकर एक मिट्टी के पात्र में उसको सभी औषधि को डाल दीजिए, और सभी औषधि को डालने के बाद मुंह को बढ़िया से बंद कर दीजिए यानी ढक दीजिए, और एक सुरक्षित जगह पर उसको रख दीजिए एक महीने के लिए, और एक महीने के बाद उसको निकाल कर छान कर शीशी के बोतल में या किसी दूसरे पात्र में उसको रख लीजिए। आपको कपूरासव जो है तैयार हो गया। कपूरासव का सेवन जो है आपको सभी प्रकार के हैजा रोग में किया जाता है। हैजा जो है एक पहले बहुत महामारी बीमारी था, और गांव आदमी मर जाते थे, गांव छोड़कर पलायन कर जाते थे दूसरे जगह पर, और हैजा जो है एक भयंकर रोग के रूप में उत्पन्न होता था। आज के परिवेश में हैजा जो है जो कंट्रोल हो पाता है। पहले जो है हैजा होने पर पूरे गांव जो है साफ हो जाता था। इसको हैजा में सभी प्रकार के हैजा रोग में कपूरासों के सेवन करने से नष्ट हो जाता है। अजीर्ण में आपको कपूरासों के सेवन करने से अजीर्ण मैंने आपको पाचन क्रिया गड़बड़ा गया है, या जो भोजन कर रहे हैं वह पच नहीं रहा है, उसको कपूरासों के सेवन करने से अजीर्ण रोग जो है समाप्त हो जाता है। बदहजमी में आपको कपूरासों का सेवन करते हैं और बदहजमी ठीक हो जाता है। पेट के दर्द में कपूरासों के सेवन करने से पेट में किसी भी स्थान पर दर्द हो वह समाप्त हो जाता है, यानी पेट के दर्द को सदा के लिए नष्ट कर देता है कपूरासों। जीव अगर मिचल रहा है उसमें कपूरासों के सेवन करने से जीव मिचलाना बंद हो जाता है, और यह औषधि बहुत अच्छा है, हैजा के लिए अद्भुत यह लाभ करता है। और इसकी मात्रा जो है कपूरासों की मात्रा आपको 5 बूंद से लेकर 10 बूंद बतासे के साथ सेवन करने से हैजा रोग, बदहजमी, अजीर्ण रोग, पेट दर्द, जीव मिचलाना ये जो है से समाप्त हो जाता है यानी नष्ट हो जाता है। और इस वीडियो देखने के लिए मैं आपको धन्यवाद दे रहा हूँ। जय धन्वंतरी, जय आयुर्वेद।